नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। बांका की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिला बिलहर थाना क्षेत्र के अमगड़वा गांव में बिलहरनी नदी के किनारे एक बथान से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद की, जिसका नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अयोध्या सिंह अपने सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त टीम के साथ किया गया। बांका के SP अरविंद कुमार गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बिलहर थाना क्षेत्र के अमगड़वा गांव का गर्भ का कुख्यात काराधीन अपराधी पप्पू यादव का भाई और पुरुषोत्तम कुमार बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की तस्करी किए जाने की जानकारी मिली थी। फिर त्वरित टीम गठित कर काराधीन कुख्यात अपराधी पप्पू यादव के बथान पर पुलिस ने छापेमारी की और वहां से एक देसी राइफल, 3 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल के साथ विकास यादव और पुरुषोत्तम कुमार को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि बिलहर थाना में विहार मध्य निषेध के तहत दोनों पर मामला दर्ज है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। सूचना मिली कि बिलहर थाना जगत ग्राम अमगड़वा में एक स्थान पर कुछ हथियार रखा गया है, जो हथियार तस्करी के उद्देश्य चलाया गया है। इसका सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत SSB और जिला पुलिस की टीम के द्वारा छापामारी की गई। संयुक्त छापामारी में वहाँ से प्रधान से ही 4 हथियार एक बोरा में लपेट कर रखा पाया गया, जिसमें 1 देशी राइफल है और 3 देशी कट्टा है, 3 जिंदा कारतूस। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अमरपुर शहर के वार्ड नंबर 6 निवासी श्याम साह के खेतों में लगी जनीकंद के पत्ते में भगवान गणेश की आकृति को देखकर ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल बन गया। देखते ही देखते आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में यह बात आगे की तरफ फैल गई। सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं आम लोग खेतों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही घंटों के बाद खेतों में महिलाओं के द्वारा अगरबत्ती, फूल, प्रसाद आदि आकृति के समीप अर्पण कर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई। घटनास्थल पर पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल में रंग गया। मौके पर समाज सेवी चंदन कुमार ने बताया कि मेरे बड़े पिताजी श्याम साह अपने 2 कट्ठे की बाड़ी में जनीकंद का पौधा लगाए हैं। 5 दिनों पहले पौधा फूल की तरह गोल हो गया था। सोमवार की सुबह जब खेतों में आकर देखा तो उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा की तरह आकृति बनी हुई थी और प्रतिमा के नीचे शिवलिंग का आकार भी बना हुआ है। भागलपुर मुख्य पथ पर गंगापुर गढ़ैल गांव के समीप मवेशी को बचाने के क्रम में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो पलटने से ऑटो पर सवार एक महिला जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर मुकेश कुमार ने जख्मी महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतिका भागलपुर जिला के कोयली खुटाहा गांव निवासी रामचंद्र तांती की 35 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी बताई गई। अस्पताल परिसर में मृतिका की मां धोरैया थाना क्षेत्र के श्यामपुर ललमटिया गांव निवासी उर्मिला देवी ने बताई कि अपनी पुत्री सुनीता के साथ अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव स्थित अपने भाई मनसो तांती के घर आई थी, जहाँ से सोमवार के दिन अपनी पुत्री को लेकर अमरपुर आई और ऑटो पर सवार होकर भागलपुर जा रही थी। तभी गंगापुर गढ़ैल गांव के समीप बीच सड़क पर मवेशी आ गया, जिसे बचाने के क्रम में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके से ऑटो चालक फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाने में पदस्थापित प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक खुर्शीद आलम पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचकर मृतिका का परिजनों की बयान को कलमबद्ध करते हुए सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। महिला की मौत के बाद इनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के परिसर में संपूर्ण क्रांति मंच के बैनर तले प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर देवनंदन सिंह की अध्यक्षता में COVID-19 महामारी के चलते दिवंगत हुए सभी आत्माओं की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की एवं कोरोना से ग्रसित लोगों की अविलंब स्वस्थ होने का ईश्वर से मन्नतें मांगी। आयोजन की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से किया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर देवनंदन सिंह ने उपस्थित लोगों को COVID-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए संक्रमण फैलाने से बचाव के बारे में चर्चा किया। उन्होंने आम लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने के साथ साथ आम लोगों से कोरोना का टीका लगाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना का टीका लेना अति आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सीताराम सिंह, शिक्षक पवन कुमार, निर्मल कुमार, सुबोध कुमार, संतोष कुमार सिंह, विनीत कुमार, वंशीधर सिंह, साधना कुमारी, रंगोली कुमारी, नीलू प्रिया, मनोज कुमार, प्रभात रंजन देव, नंदनी कुमारी, दिव्यांशु राज, प्रिया रंजन, अमरजीत कुमार समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। फिर भी होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।